C I E, -T, -N -C -E -R T presents trilingual dictionary of geography for schools. Bhugol. Vidyalayon ke liye tribhashi shabd kosh. schoolon Index letter F. Fallowland Page forty four. Fault. Page forty four. Fonts. Page forty four Fazenda Page forty four Felspar felspar Elspa Page forty four Felsic Page forty four Ferromagnesian minerals page forty four fertilizer page forty four Fjord Page forty four Fern Page. 45. fisheries. page 45. fish farming. page 45. fishing. page 45. fishing banks. page 45. floodplain. page 46. flora. page 46. flow map. page 46. focus. page 46 fog page 46 fawn page 46 fold page 46 fold mountain page 47 food chain page 47 food web page 47 food security page 47 footloose industry page 48 Foreign Exchange. Page 48. Forest. Page 48. Forestry. Page 48. Forest based industries. Page 48. Fossils. Page 48. Fossil fuel. Page 48. Freeways. Page 48. Freezing Point. Page 49. Freshwater. Page 49. Frigid Zone. Page 49. Fringing Reef. Page 49. Front. Page 49. Frost. Page 49. Now, let's move to the Dictionary of Geography. F. Page 44. Fallow Land. कल्टिवेबल लैंड दैट इज लेफ्ट विदाउट क्रॉपिंग फॉर अ सीजन और मोर टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी परती भूमि कृष्य भूमि जो बिना फसल उगाए एक अथवा अधिक ऋतु के लिए छोड़ दी जाती है ताकि वो अपनी उर्वरता दोबारा प्राप्त कर सके परती जमीन ऐसी काबिल काश्त जमीन जो एक या एक से ज्यादा मौसमों के लिए फसल बोए बगैर खाली रखी जाए ताकि उसकी जरखेजी बहाल हो फॉल्ट अ फ्रैक्चर और ब्रेक इन स्ट्राटा ऑफ द अर्थ क्रस्ट अलोंग विच देर हैज बीन डिस्प्लेसमेंट इन अ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ओब्लिक डायरेक्शन भ्रंश भूपरपटी की परत पर विभंजन अथवा विच्छेद जहां विस्थापन क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अथवा दिशा में है शिगाफ कशरे जमीन की परतों में कोई चटखन या शिकस्तगी जिसके साथ कोई उफ़की, उमूदी या आड़ी सिमत में कोई तब्दीली आई हो फ़ॉन्स एन असेंबलेज ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम प्राणीजात किसी विशेष स्थान पर विशेष समय में रहने वाले प्राणियों का समुच्चय हैवानात है मखसूस मकाम पर मखसूस वक्त में रहने वाले जानवरों की जमात फैजेंडा अ वेरी लार्ज कॉफी प्लांटेशन और एस्टेट इन ब्राजील फजेंडा ब्राजील में बृहत क्षेत्र पर कॉफी रोपण अथवा संपदा एस्टेट फजेंडा ब्राजील में कॉफी की बागबानी का बहुत बड़ा इलाका फेल्सपा द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल्स सच एज एल पी सोडियम और सी ए विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द अर्थस क्रस्ट इट इज द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ इग्नियस रॉक्स फेल्सपा शैलकर शैल निर्माण करने वाले सिलिकेट खनिजों का सबसे महत्वपूर्ण समूह जैसे एल्यूमिनियम, फॉस्फरस सोडियम अथवा कैल्शियम जो भूपृष्ठ के मुख्य भाग का निर्माण करते हैं ये आग्नेय शैलों का प्रमुख अवयव है फल्सपार चान साज सिलिकेट मादनियात का अहम तरीन जुमरा मसलन अल्मोनियम पोटाशियम सोडियम कैल्शियम जिससे कशरे अर्ज का बड़ा हिस्सा बना है यह आतिशी चट्टानों का बुनियादी है फेल्सिक डिराइव्ड फ्रॉम फेल्सपा एंड सिलिका डिनोट्स लाइट कलर्ड सिलिकेट मिनरल्स सच एज कोट्स एंड फेल्सपा फेल्सिक ये फेल्सपा एवं सिलिका से व्युत्पन्न होता है हल्के रंग वाले सिलिकेट खनिजों जैसे स्फटिक क्वार्ट्स एवं फेल्सपार का द्योतक है फेल्सिक ये फल्सिपार और सिलिका से माखोज हल्के रंगीन सिलिकेट मादनियात की निशानदेही करता है जैसे क्वार्ट्स और फुल्सिपार फेरोग्नीजियन मिनरल्स अ मिनरल दैट इज रिच इन आयरन एंड ऑ मैग्नीजियम इट इज यूजुअली डार्क इन काला मैग्नीशियमी खनिज खनिज जिसमें लौह एवं अथवा मैग्नीशियम की अधिकता है ये सामान्यतया गहरे रंग के होते हैं फौलाद मैग्नीशियाई मादनियात वो मादनियात जो फौलाद या मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं आमतौर पर इसका रंग गहरा होता है फर्टिलाइजर एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट एडेड टू द सॉयल टू इम्प्रूव द सॉयल फर्टिलिटी फॉर बेटर यील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ आर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम उर्वरक कोई जैव पदार्थ अथवा अजैव लवण जो मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए मृदा में मिलाया जाता है ताकि अधिक उपज हो पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन फॉस्फोरस तथा पोटैशियम होते हैं मसनू खाद कोई नामियाती मादा या गैर नामियाती नमक जो बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी की जरखेज़ी में इजाफे की गरज से उसमें शामिल किया जाता है पौधों की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाशियम अहम तरीन तगजियाई अनासर हैं Fjord, a long and deep narrow sea inlet between steep mountain slopes rising up to several hundred meters above the sea level. These are the results of intense glaciations of a previously existing river valley. Due to melting of ice sheets, the sea level rose and flooded the valley. Example Norway, East Greenland, Eastern and Western Canada. and चिले Age फोर्टी फाइव तीव्र पर्वतीय ढलानों के बीच एक लंबा और गहरा संकीर्ण समुद्री अंतर्गम निवेशिका जो समुद्र तल से कई सौ मीटर ऊपर उठा हुआ है यह पहले से विद्यमान नदी घाटी के गहन हिमनदन का परिणाम है बर्फ चादर के पिघलने से समुद्र तल बढ़ गया और घाटियों में बाढ़ आ गई ऐसे फियोर्ड नॉर्वे पूर्वी ग्रीनलैंड पूर्वी एवं पश्चिमी कनाडा तथा चिली में पाए जाते हैं यखना सतह समंदर से कई सौ मीटर तक ऊपर उठा हुआ तेज पहाड़ी ढलानों के दरमियान तवील और गहरा तंग समंदरी जजीरा ये वादी दरिया में शदीद यख बस्तगी का नतीजा होते हैं बर्फ की चादरों के पिघलने की वजह से समंदरी सतह में इजाफा हो जाता है और वादी सैलाब जदा हो जाती है मसलन नॉर्वे मशरकी ग्रीनलैंड मशरकी और मगरबी कनाडा और चिली फर्न फर्न इज कॉम्पैक्टेड स्नो प्रायर टू द स्टेज ऑफ आइस फॉर्मेशन कणहिम फर्न कणहिम संगठित हिम है जो बर्फ निर्माण से पूर्व की अवस्था है फर्न की बर्फ बनने के मरहले से पहले का थकेदार बर्फ होता है फिशरीज द एक्ट ऑफ कैचिंग एनिमल लाइफ फ्रॉम वॉटर विज ट्रैपिंग सैमन डिगिंग डैम्स आउट ऑफ मड एंड शूटिंग सील्स दिस एक्टिविटी टेक्स प्लेस व फिश एग्जिस्ट इन ग्रेट नंबर्स एंड अ कॉट ऑन अ लार्ज स्केल कमर्शियल फिशरीज इंक्लूड कैचिंग ऑफ डिमर्सल बॉटम लिविंग फिश एग्जाम्पल कॉड एंड पेलैजिक सर्फिस फिश एग्जाम्पल टीना एंड हैरिंग वाइल डिमर्सल फिशिंग कैन टेक प्लेस ओनली इन शेलो ओशन वॉटर पेलैजिक फिशिंग इज मो वाइड स्प्रेड मत्स्य उद्योग जल से प्राणी जीवन को पकड़ने की क्रिया जैसे सामन मछली प्रग्रहण पंख से बांध बनाना एवं सील का शिकार ये क्रिया उस जगह होती है जहां बड़ी संख्या में मछलियां मत्स्य मच होती हैं और बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं व्यापारिक मत्स्यी के अंतर्गत तलमज्जी अधस्तल आवासी मछली उदाहरणतया कॉड एवं पैलैजिक सतह आवासी मछली उदाहरणतया टीना एवं हेरिंग को पकड़ना सम्मिलित है पैलेजिक मत्स्यन अधिक व्यापक है जबकि तलमज्जी मत्स्यन केवल उथले समुद्री जल में हो सकता है माहीगिरी आबी जानवरों को पकड़ने का अमल मसलन छोटी मछलियों को जाल में फंसाना कीचड़ से बांध बनाना और सील का शिकार करना ये सरगर्मी उन जगहों पर होती है जहाँ मछलियाँ काफी तादाद में मौजूद होती हैं और बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं माही, गिरी में गहराई तय रहने वाली मछली मसलन कार्ड और ऊपर सतह पर रहने वाली मछलियाँ मसलन टीना और हेरिंग शामिल हैं जबकि तली में रहने वाली मछलियों का शिकार सिर्फ छिचले समंदरी पानी में ही हो सकता है सतह पर रहने वाली मछलियों का शिकार ज्यादा आम है फिश फार्मिंग ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ फिश इन नेचुरल और स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड्स और टैंक्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट फॉर रेजिंग मोर प्रोडक्टिव एंड यूजफुल वराइटीज ऑफ फिश मोर एक्सपेंसिव वराइटीज सच एज टूना हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन सच टाइप ऑफ फिश फार्मिंग मत्स्य पालन प्राकृतिक अथवा विशेष रूप से बने ताल अथवा तालाब में नियंत्रित पर्यावरण के अंतर्गत मछलियों का प्रजनन एवं वर्धन ताकि अधिक उत्पादक और उपयोगी प्रकार की मछलियों का वर्धन किया जा सके अधिक कीमती मछलियों की किस्मों जैसे टूना के लिए इस प्रकार का मत्स्य पालन काफी सफल रहा है माही परवरी मछलियों की ज्यादा पैदावार और मुफीद अकसाम की मछलियों की परवरिश के लिए कुदरती या मखसूस तमीर शुदा तालाब या हौज में मवाफ माहौल में मछलियों की नस्ली अफजाइश और पर्दाश्त इस तरह की माही परवरी के तरीके में महंगी अकसाम मसलन ट्यूना बहुत कामयाब रही है फिशिंग कैचिंग ऑफ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूम सिंस एंशियन टाइम इट हैज इवॉल्व एज अ मोर इंटीग्रेटिंग ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विच इंक्लूड नेट मेकिंग कैचिंग ऑफ फिश प्रोसेसिंग पैकिंग एंड मार्केटिंग मत्स्यन प्राचीन समय से मछलियों को पकड़ना मानव के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक आर्थिक क्रिया रही है ये एकीकृत क्रियाओं के समूह के रूप में विकसित हुई है जिसके अंतर्गत जाल बनाना मछली पकड़ना संसाधित करना डिब्बा बंद करना और विपणन आता है माही सनत कदीम ज़माने से ही मछली पकड़ना इंसानों की एक अहम इब्तई माशी सरगर्मी रही है ये बहुत ही मरबूत जुमरे की सरगर्मी है जिसमें जाल बुनना मछली पकड़ना इसे सुखाना डब्बों में बंद करना और बाजार में फरोख्त करना शामिल है फिशिंग बैंक्स शैलो ओशन वाटर फाउंड ऑन कॉन्टीनेंटल शेल्व इन कूल मिड लैटी कंपेरेटिवली फ्यू स्पीशीज ऑफ फिश आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स सच एरियाज आर मोस्ट फेवर्ड एरिया फॉर कमर्शियल फिशिंग एग्जाम्पल ग्रेट फिशर बैंक ऑफ नॉर्थ सी एंड डैगर बैंक ऑफ अटलांटिक सी मत्स्य तट शीतल मध्य अक्षांशों के महाद्वीपीय शेल्फों में पाया जाने वाला छिछला समुद्री जल क्षेत्र यहां अपेक्षाकृत कुछ जातियों की मछलियां अधिक संख्या में पाई जाती हैं ऐसे क्षेत्र व्यापारिक मात्सिकी के लिए सबसे अनुकूल क्षेत्र हैं उदाहरण के लिए उत्तरी सागर में ग्रेट फिशर बैंक एवं अटलांटिक महासागर में डागर बैंक माहिगीरी बैंक्स, सर्द वस्ती अर्जुल बलत के खितों में बड़े आजमी छज्जे शेल्फ्स पर पाए जाने वाला छिचला समंदरी पानी का इलाका यहाँ निस्पतन चंद एकसाम की मछलियाँ बड़ी मकदार में पाई जाती हैं इस तरह के इलाके तजारती माही गिरी के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं मसलन शुमाली समंदर में ग्रेट फिशर बैंक और बहरे अटलांटिक का डागर बैंक पेज फोर्टी सिक्स फ्लड प्लेन एन एरिया ऑफ नियरली लैंड बॉर्डरिंग अ रिवर दैट इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक फ्लडिंग इट इज रिच इन एलुवियम बाढ़ मैदान नदी के किनारे लगभग समतल भूमि वाला क्षेत्र जो आवर्ती ओघन जहां समय समय पर बाढ़ आती रहती है के अधीन है ये जलोढ़क से समृद्ध है सैलाबी मैदान किसी दरिया के आसपास की तकरीबन मुस्तैद जमीन जो वक्फा जाति सैलाब से तश्कील पाती है इसमें सैलाबी मिट्टी कसरत से पाई जाती है फ्लोरा वराइटीज ऑफ प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वनस्पति जात पौधों की किस्में जो किसी विशेष स्थान पर एक समयावधि में मिलती हैं नबातात किसी मखसूस मकाम पर Maksus Vakme Pai Jani Aksam Flow Map Shows the flow or movement of people or commodities through bands. The thickness and length is proportional to the quantity of goods or the number of people moving along different routes, and length is proportionate to the distance covered respectively. Example Flow of river with mountains, traffic flow, etc. प्रवाह मानचित्र मानचित्र पर लोगों अथवा पण्यों माल का प्रवाह अथवा गति को पट्टियों के द्वारा दर्शाना पट्टियों की मोटाई और लंबाई क्रमशः सामान की मात्रा अथवा लोगों की संख्या के अनुपात में होती है जो विभिन्न मार्गों पर चल रहे हैं तथा लंबाई उनके द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात में होती है उदाहरण के लिए पर्वतों के साथ नदी का प्रवाह यातायात प्रवाह इत्यादि रवानी नक्शा पट्टियों के जरिए नक्शों पर लोगों या अशिया की रवानी या हरकत पजीरी को जाहिर करना पट्टियों की मोटाई और लंबाई बिल तरतीब अशिया या लोगों की तादाद या मकदार के तनासुब में होती है जो मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहे हैं और लंबाई उनके जरिए तय की गई दूरी के तनासब में होती है मसल पहाड़ों के साथ दरिया की रवानी आमदरफ्त की रवानी वगैरह। फोकस इन साइजमोलॉजी द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इन साइड अर्थ इज कॉल्ड केंद्र, भूकंप विज्ञान में पृथ्वी के भीतर भूकंप की उत्पत्ति के बिंदु को उद्गम केंद्र कहते हैं मास्का इलमे जलजला में जमीन के अंदर किसी जलजले के नुकतः आगाज़ को मास्का कहते हैं फॉग कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ माइन्ूट साइज इन सस्पेंशन नियर द ग्राउंड सरफेस, विच अपीयर एज क्लाउड समटाइम्स इन विंटर फॉग में रिड्यूस विजिबिलिटी टू अ फ्यू मीटर्स कुहरा पृष्ठ के निकट निलंबित सूक्ष्म आकार के जल जलबिंदु जो कभी कभी शीतकाल में मेघों की भांति दिखाई देते हैं कोहरा कुछ मीटर तक दृश्यता कम कर सकता है कोहरा ज़मीन की सतह के क़रीब मुतक़ मुख्तसर तरीन साइज के तकसीफ शुदा पानी के कतरे जो सर्दियों में बाज़ बाज़ात बादल जैसे लगते हैं कोहरे की वजह से चंद मीटर दूर तक की अशिया साफ नजर नहीं आती a warm and dry wind that descends along the leeward side of the alps mountain during winter causing rapid rise in temperature it may cause snowmelt and avalanches similar winds in other parts of the world are known by different names example chinook rockies usa berg south africa and nor'wester new zealand fawn एक कोष्ण एवं शुष्क पवन जो शीतकाल में आल्प्स पर्वत के प्रतिपवन पवना विमुख पक्ष के समानांतर अवरोहण करती है जिसके कारण तापमान में तीव्र वृद्धि होती है इसके कारण हिम का पिघलना एवं हिमधाव हो सकते हैं इसके सदृश पवने विश्व के अन्य भागों में भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती हैं जैसे चिनुक रॉकीज संयुक्त राज्य अमेरिका बर्ग दक्षिणी अफ्रीका एवं नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड फोन एक किस्म की गर्म और खुश हवा जो मौसम सरमा के दौरान कोहे आल्प्स के उकबी जानब से दर्ज हरारत उतरती है जिससे दर्जा हरारत में इजाफा होता है ये हवा बर्फ पिघलने और इसके तोों के खिसकने का सबब बनती है इस तरह की हवाएं दुनिया के दीगर हिस्सों में मुख्तलिफ नामों से जानी जाती हैं मसलन चिनूक रॉकीज यूएसए बर्ग जुनूबी अफ्रीका और नॉर्वेस्ट न्यूजीलैंड अ बेंडेड रॉक टाटा ऑफ द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, द बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स बकल एन अप फोल्ड इज कॉल्ड एंड एंटीक्लाइन एंड अ डाउन फोल्ड अंकलाइन There are many types of folds depending on the intensity of compression and the character of rocks. Page फोर्टी सेवन वलन भूपरपटी का एक मोड़ वाला शैल स्तर संपीडन बलों के कारण संस्तरित अवसादी शैलों का आकुंचन हो जाता है एक उद्वलन को अपनति एवं नतवलन को अभिनति कहते हैं संपीडन की तीव्रता एवं शैलों के गुण के आधार पर कई प्रकार के वलन होते हैं मोड़ या खम कशरे जमीन की एक खमदार चट्टानी परत दबाने वाली कौवतों की वजह से बिछी हुई तहबत है रसूबी चट्टाने बाहम जुड़ जाती हैं ऊपरी मोड़ को ताक देसी खम और निचले मोड़ को नाव देसी खम कहा जाता है दबाव की शिद्दत और चट्टानों की नौयत के एतबार से खमों की मुख्तलिफ किस्में हैं फोल्ड माउंटेन माउंटेन दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फोल्डिंग एंड अपलिफ्ट ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स बाय हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्सेस, एग्जाम्पल हिमालय वलित पर्वत पर्वत जिसकी उत्पत्ति क्षैतिज संपीडन बलों द्वारा वलन एवं अवसादी शैलों के उत्थान से होती है उदाहरण के लिए हिमालय मोरदार पहाड़ या खमदार पहाड़ वो पहाड़ जो उफ़ी फशावी कौतों के जरिए रसूबी चट्टानों में खम पड़ने और ऊपर उठने की वजह से बनते हैं मसलन हिमालय फूड चेन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एनर्जी ट्रांसफर थ्रू फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनादर इन इकोसिस्टम

एक जीव से दूसरे जीव के मध्य जुड़ी हुई ऊर्जा स्थानांतरण की श्रृंखला पदानुक्रम पोषण रीति में प्रत्येक जीव अपने भोजन के लिए अगले निम्न स्तर पर निर्भर करता है निम्नतर स्तर प्राथमिक उत्पादों पौधों द्वारा अधिकृत भरा हुआ है जो इससे ऊपर के स्तर के शाकाहारियों प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन प्रदान करता है मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय स्तर पर होते हैं ग़ाई जंजीर निज़ाम माहौलियात में एक जिस्म नामिये से दूसरे में ग़ा के ज़रिए मुंतकिल तवनाई के सिलसिले का रब हर एक नामिया अपने ज़ा के लिए सिलसिलेवार निचली सतह सतह तगजिया के अगले नामिये पर इहिसार करता है सबसे निचली सतह वाला इब्तदाई पैदावार पौधों से हासिल करता है जो ऊपरी सतह सब्जी सब्जीखोर इब्तदाई सारुफीन को गजा फराहम करता है गोश्त गोश्तखोर सानवी तीसरी सतह पर आते हैं फूड वेब अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन्स विच शोज द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी खाद्य जाल सम्मिश्र जटिल अंतराबंधित आहार श्रृंखलाओं का अनुक्रम जो एक समूह में सभी जीवों के बीच के आहार के संबंध को दर्शाता है गजाई जाल पेचीदा पेचीदाबाह मरबूत गजाई सिलसिलों की एक तरतीब जो किसी माशरे में तमाम इतसाम नामिया के दरमियान गजाई रिश्ते को जाहिर करता है फूड सिक्योरिटी द स्टैटस ऑफ पीपल इन अ कंट्री विद रिगार्ड टू फूड अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी and यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर ऑल पीपल इन अ कंट्री irrespective of ऑफ economic इकोनॉमिक स्टेटस टू लिव विदाउट हंगर और of ऑफ खाद्य सुरक्षा इसका संबंध खाद्य पदार्थ के संदर्भ में एक देश में लोगों की स्थिति से है भोजन की प्राप्यता अभिगम्यता एवं उपयोग देश के सभी लोगों के लिए हो चाहे वे किसी भी आर्थिक स्थिति के हों और वे बिना भूख के अथवा भुखमरी के भय के रह सकते हों गई जमानत इसका ताल्लुक किसी मुल्क के लोगों की गज़ा की हालत से है किसी मुल्क के सभी लोगों के लिए माशी सलाहियत के एतबार से ग़ा के हसूल दस्तियाबी और इफादियत से है जो भूख या फाका कशी के खौफ के बगैर हो पेज फोर्टी एट फुटलूस इंडस्ट्री एनी इंडस्ट्री विच डज नॉट हैव प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल और मार्केट सच एन इंडस्ट्री हैज मोर फ्लेक्सीबिलिटी एंड कैन लोकेट इट सेल्फ एनी स्वच्छंद उद्योग कोई भी उद्योग जिसकी कच्चे माल अथवा बाज़ार की उपलब्धता के कारण किसी विशेष स्थान के लिए वरीयता नहीं है ऐसे उद्योगों के पास अधिक नम्यता लचीलापन होती है और उन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है खुद मुख्तार सनत या आज़ाद पास सनत ऐसी सनत जो खाम माल या बाज़ार की दस्तियाबी की वजह से किसी ख़ास मकाम को तरजीह ना दे ऐसी सनत ज्यादा लचकदार होती है और इसे कहीं भी कायम किया जा सकता है फॉरिन एक्सचेंज कन्वर्जन ऑफ करेंसी फ्रॉम वन यूनिट टू इट्स एनी अदर इक्विवलेंट एग्जाम्पल रूपी टू डॉलर विदेशी विनिमय एक इकाई से किसी दूसरी तुल्यमान इकाई में मुद्रा का परिवर्तन उदाहरण के लिए रुपये से डॉलर में जरे मुबादला मुर्वजा सिक्के की एक इकाई से किसी दूसरे सिक्के से मसावी तबादला मसलन रुपए से डॉलर फॉरेस्ट अ कंटिन्यूस एंड एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विद ट्रीज विच ग्रो क्लोज टुगेदर और समटाइम्स स्कैटर्ड विद द फॉलेज शेडिंग द ग्राउंड फॉरेस्ट्स में बी नेचुरल और मैनमेड। वन वृक्षों से आच्छादित सतत एवं विस्तृत क्षेत्र जहाँ वृक्ष पास पास समूहों में बढ़ते हैं अथवा कहीं कहीं प्रकीर्ण होते हैं जहाँ उनका पर्ण समूह भूमि को ढक देता है वन प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित हो सकते हैं जंगल दरख्तों से ढका हुआ मुसलसल और वसी इलाका जहाँ दरख्त घने होते हैं या कभी कभी मुंतशिर होते हैं जो अपने पत्तों से जमीन पर साय किए हुए होते हैं जंगल कुदरती हो सकते हैं या इंसान साज फॉरेस्ट्री साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ट्री ग्रोथ देयर प्रोटेक्शन एंड क्रॉपिंग टू एंश्योर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इट इंक्लूड्स अ फॉरेस्टेशन एज वेल वानिकी लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष वृद्धि उनके संरक्षण एवं दृश्यांशन पौधों का उगाया जाना का वैज्ञानिक प्रबंध इसमें वन रोपण भी सम्मिलित है जंगल बानी इमारती लकड़ी और दीगर जंगली अशिया की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पेड़ों के उगने उनकी हिफ़ाज़त और फसल तैयार करने की साइंसी इंतजामकारी इसमें जंगलात की कटाई भी शामिल है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज यूजिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटीरियल्स एग्जाम्पल पल्प एंड पेपर फार्मास्यूटिकल्स फर्नीचर एटसेट्रा वन आधारित उद्योग उद्योग जो वन उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उदाहरण के लिए लुगदी एवं कागज औषधियां फर्नीचर इत्यादि जंगल पर मबनी सनतें ऐसी सनतें जिनमें जंगल की पैदावार का इस्तेमाल खाम माल के तौर पर किया जाता हो मसलन लगदी कागज़ दवासाजी और फर्नीचर साजी वगैरह फॉसिल्स द रिमेन्स ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल प्रिजर्वड इन क्रस्टल रॉक्स दीज में बी केमिकली ऑल्टर्ड दे आर रिक्नाइज बाय द इम्प्रेशन मेड ऑन द रॉक जीवाश्म किसी जीवित जीव पादप अथवा प्राणी के संपूर्ण अथवा अंश के अवशेष जो भूपरपटी शैल में परिरक्षित हैं ये रासायनिक रूप से परिवर्तित हो सकते हैं ये शैल पर अपनी छाप के द्वारा पहचाने जाते हैं रिकाज कशरी चट्टानों में महफूज किसी हयातियाती अजविए पौधा या जानवर के मुकम्मल या जुजवी बाक़यात इनमें कीमियावी तब्दीली वाक़ हो सकती है इनकी शिनाख्त चट्टान पर बने हुए निशानात से की जाती है फॉसिल फ्यूल Naturally occurring hydrocarbon fuels such as coal, natural gas, and petroleum, which were formed slowly deep below the ground due to tremendous pressure on the remains of vegetation cover and animals and chemical reactions embedded in the sedimentary rocks like fossils. Jivashmi Indhan. प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम जो धीरे धीरे धरातल के नीचे गहराई में अवसादी शैलों में अंतस्थापित जीवाश्म वनस्पति आवरण एवं प्राणियों के अवशेषों पर अत्यधिक दाब और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण बने हैं रिकाजी ईंधन कुदरती तौर पर मौजूद हाइड्रोकार्बन ईंधन मसलन कोयला, कुदरती गैस और पेट्रोलियम जो गैरमूली दबाव और रिकाजी फसलों जैसी रसूबी चट्टानों में पोशीदा हैवानी और कीमयाबी तामुलात की वजह से रफ्ता रफ्ता ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में निबाती गलाफ की बाकियात पर बनते हैं फ्रीवेज़, इंटरस्टेट हाईवेज इन दू एस ए विच हैव Crossroads are avoided by providing overhead links where one turns in only one direction to ensure smooth and speedy traffic. Freeways संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराज्य महामार्ग जिसमें दोनों ओर चार प्रमुख मार्ग होते हैं पार सड़कों क्रॉस रोड से बचने के लिए ऊपरी लिंक प्रदान किया जाता है जहां से केवल एक ही दिशा में मुड़ सकते हैं ताकि निर्विघ्न एवं द्रुत यातायात सुनिश्चित किया जा सके आजाद शहराहें यूएसए में बैन रियासती शहराहें जिनके दोनों तरफ चार अहम लेन होती हैं बालाई रबते फराहम करके जिसमें कोई शख्स सिर्फ एक ही सिमत में मुड़ सकता है चौराहों से बचा जाता है ताकि रवा और तेज़ रफ्तार आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके पेज 49. फ्रीजिंग प्वाइंट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड और गैस चेंजेस फ्रॉम द फ्लूड टू द सॉलिड स्टेट फ्रीजिंग प्वाइंट फॉर फ्रेश वॉटर एट द सी लेवल इज जीरो डिग्री सेल्सियस हिमांक स्थिर तापमान जिस पर द्रव अथवा गैस तरल से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है अलवणीय जल के लिए समुद्र तल पर हिमांक शून्य डिग्री सेल्सियस होता है नुकता इंजम्द वो मुस्तकिल दर्जा हरारत जिस पर सयाल या गैस माई से ठोस की शक्ल में तब्दील होता है सतह समंदर पर साफ पानी का नुकता इंजमात सिफर डिग्री सेल्सियस है फ्रेश वाटर वाटर दैट कंटेन्स लेस देन टू परसेंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स इट मे हावेवर बी नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग एग्जाम्पल रेन वॉटर आइस कैप्स रिवर्स अलवण जल जल जिसमें दो प्रतिशत से कम विलीन खनिज समाविष्ट हैं फिर भी ये संभव है कि जल पीने के लिए सुरक्षित ना हो उदाहरण के लिए वर्षा जल हिमछत्रक नदियां साफ पानी वो पानी जिसमें तहलील शुदा मादनियात सिर्फ दो फीसद से कम हो ताहम ये शायद पीने के लिए मौजू ना हो मसलन बारिश का पानी बर्फानी सरपोश नदियाँ फ्रिजिड जोन लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड द एंटार्कटिक सर्कल And the South Pole in the Southern Hemisphere represent the cold climate. The frigid zone is one of the three main heat zones, torrid and temperate regions being the others. This term is also used to describe permanently snow-covered areas of the polar region and high altitudes. Sheet katiband, Uttari golardh me Uttar -dhruv -vrit evam Uttar Dhruv, Tatha दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र शीत जलवायु को दर्शाते हैं शीत कटिबंध प्रमुख तीन ऊष्मा कटिबंधों में से एक है अन्य दो कटिबंध उष्ण एवं शीतोष्ण है इस शब्द का प्रयोग ध्रुवीय प्रदेश एवं उच्चतुंगता ऊंचे स्थान के स्थायी हिमाच्छादित क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए भी होता है मनत बारदा शुमाली नफ़ कुर्रे में दायरे कतुब शुमाली और शुमाली कतुब के दरमियान और जुनूबी निसफ कुर्रे में दायरे कतुब जुनूबी और जनूबी कुतुब के दरमियान वाले इलाके सर्द आबो हवा वाले हैं मनत बारदा तीन मरकजी गर्म खत्ों में से एक है मनत हर्रा और मनत मतदिला ये असलाह कतुबी ख़त्े और ऊँची बुलंदी वाले मुस्तकिल तौर पर बर्फ बर्फपोश इलाकों को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है फ्रिंजिंग रीफ अ कोरल रीफ अटैच टू द सी व्हिच विच इज फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल रीजन्स तटीय प्रवाल भित्ती प्रवाल भित्ती जो समुद्र तट से जुड़ी हुई है और जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बनती है हाशिएदार संगिस्तान साहिले समंदर से लगा हुआ मरजानी संगिस्तान जो खित हारा में बनता है फ्रंट अ बाउंड्री बिटवीन कोल्ड एंड वार्म एयर मैसेज एग्जिबिटिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स द इंटरफेस में बी नैरो ब्रॉड द मूवमेंट ऑफ अ फ्रंट कॉजेज अ रैपिड चेंज इन वेदर इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स वाताग्र शीत एवं कोष्ण वायुसहतियों वायु राशियों के बीच की सीमा जो भिन्न भिन्न विशेषताएं दर्शाती है अंतरापृष्ठ संपर्क क्षेत्र संकीर्ण अथवा चौड़ा हो सकता है वाताग्र जिस क्षेत्र में गतिमान होता है वहां मौसम में शीघ्रता से बदलाव आता है हवाई महाज मुख्तलिफूसियात जाहिर करने वाले ठंडे और गर्म हवाई तोदों के दरमियान की सरहद ये हद तंग और वसी हो सकती है महाज में हरकत की वजह से उस इलाके में जिसके ऊपर से ये गुजरता है मौसम में तेजी से तब्दीली आती है फ्रॉस्ट वन फ्रोजन पार्टिकल्स ऑफ मॉइस्चर एट और नियर द ग्राउंड एंड ऑन वेजिटेशन वेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। टू इफ द एयर इज ड्राई वाइल द टेम्परेचर फॉल्स बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस द फ्रॉस्ट में अका विदाउट फॉर्मिंग आईसी डिपॉजिट्स तुषार एक भूमि पृष्ठ पर अथवा उसके निकट एवं पेड़ पौधों पर नमी के हिमशीतित कण जो तापमान के हिमांक से नीचे गिर जाने पर बनते हैं दो जब तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए और वायु शुष्क हो तब तुषार हिमय निक्षेपों का निर्माण किए बिना घटित होता है पाला एक नुकता इंजिमात तक दर्ज हरारत के गिर जाने से ज़मीन पर या उसके करीब नबातात पर जम जाने वाले नमी के ज़रत दो दर्ज हरारत सिफर डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाने पर अगर हवा खुश्क हो जाए तो बर्फीले तोदे के बगैर Letter F of Trilingual Dictionary of Geography for Schools ends here. Read by Neeraj Yadav and Sumbul Shakil. You were just listening to this presentation. Project Coordination, Rajesh Nimesh. Subject Coordination, Professor Savita Sinha. Project Advice, Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination, Batilang Lingdo. Framework Advice, Ajit Horo assistance in production kusum lata produced and directed by vandana arimardan and this presentation is brought to you by ciet ncert new delhi india